हेलो ब्रीवान वेलकम बे कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथ थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आप सभी लोगों को बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स अप्लाइड मैथ थर्ड में सारे चैप्टर्स को ना तैयार करके केवल और केवल अगर इन चैप्टर्स पे आप सभी लोग फोकस करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आपको बेहतर से बेहतर अंक मिलेंगे यहाँ तक कि आप 50 आउट ऑफ 50 ऑप्टेन कर सकते हैं अगर आप इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि सर हमारी बैक ना लग जाए हमारी तैयारी बिल्कुल ख़राब है तो केवल मात्र दो चैप्टर आपको बताने वाला हूँ अगर इन दो चैप्टर्स को भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी बैक नहीं लगेगी इसके लिए फुल गारंटी है बस बात को ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद उस फॉलो करिएगा डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि केवल इस वीडियो को आपने देख लिया और आपकी प्रिपरेशन हो गई नहीं इस वीडियो में जो सुझाव दिए जाएंगे जो आपको एडवाइस दी जाएगी उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा पढ़ना तो पड़ेगा जब आप पढ़ेंगे तब जाकर के आपके बेहतर अंक प्राप्त होंगे आइए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज आपके सामने रखता हूँ और समझाता हूँ उनको आपको कैसे तैयार करना है डियर स्टूडेंट्स अगर अप्लाइड मैथ थर्ड की बात करें तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है डियर स्टूडेंट्स वो आब है ठीक है फर्स्ट यूनिट डियर स्टूडेंट्स आपकी आप व्यू है जिसको हम सभी लोग इंग्लिश में मैट्रिसेस कहते हैं मेरी बात को ध्यान सुनिएगा जिसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं मैट्रिसेस कहते हैं इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में थ्री चैप्टर्स हैं ठीक है थ्री चैप्टर्स है पहला है आब्यू दूसरा है प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण तीसरा है आईगेर मान था कैले हैमिल्टन प्रमे डियर स्टूडेंट्स अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि कहीं मेरी बैग ना लग जाए तो उसको मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप इस चैप्टर मैट्रिक्स के इस यूनिट मैट्रिक्स के जो थ्री चैप्टर्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए अगर आप सभी लोगों ने केवल इसी यूनिट को प्रिपेयर कर लिया तो आपको बता दें कि इससे आपके ट्वेल्व टू फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता है कि पासिंग मार्क्स कितना होगा आपका अगर हम पासिंग मार्क की बात करें तो पासिंग मार्क्स जो होता है वो आप सभी लोगों को पता है 17 मार्क्स होता है तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं इस तरीके से तैयार कर लेते हैं कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे उनको आप कर लेंगे तो फिफ्टीन मार्क्स इसमें मिल जाएगा बाकी इतना तो आप साल भर पढ़े ही हैं कि और किसी टाइप के एक दो क्वेश्चन लगा लेंगे आप पास हो जाएंगे आराम से लेकिन अगर कोई और भी चैप्टर आपका नहीं तैयार है तो दूसरे नंबर पर जो चैप्टर आपको रखना है वो है आंशिक अवकलन ध्यान दो आंशिक अवकलन ध्यान सुनिएगा हमारी बात को दूसरा जो चैप्टर होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा आंशिक आवकलन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन ये आपका सेकेंड चैप्टर होगा अगर किसी स्टूडेंट्स ने इन दोनों चैप्टर्स को तैयार कर लिया पहली यूनिट में थ्री चैप्टर्स और दूसरी में सॉरी सेकेंड यूनिट में आपका केवल एक चैप्टर जो कि आंशिक अवकलन अर्थात पार्शियल डिफरेंशिएशन है मिनिमम ध्यान दो मिनिमम ट्वेंटी मार्क्स आप अपने एग्जाम में ऑप्टेंड कर पाएंगे इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है बैक लगने की कोई चांस नहीं केवल ये एक यूनिट और ये कुल मिलाकर के दो तीन चैप्टर दो चैप्टर इसमें तीन चैप्टर हैं जिसमें से बीच वाला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पहला और तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहला तीसरा और एक चैप्टर ये बस इतना सा तैयार कर लीजिए इसमें भी जो आयलर्थ प्रमेय है ना उससे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पांच नंबर में वो भी कंफर्म मैं कर दे रहा हूं तो ये दो चैप्टर अगर कोई बच्चा तैयार कर लेता है उसकी बैक नहीं लगेगी इस बात की फुल गारंटी है और अगर आप सभी लोग इन दोनों चैप्टर्स को अभी तक नहीं तैयार किया है तो आप अपने इसी चैनल डी डी मैथमेटिकल सल्यूशन पर इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं ध्यान रखिएगा मैं किसी पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं आप सभी लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप और आंशिक अवकलन दोनों चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोनों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं और देख करके दो चैप्टर को तैयार करके इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपका ये उद्देश्य है कि मेरी बैक ना लगे बस तो बस इन्हीं दोनों चैप्टर पर फोकस कर दीजिए लेक्चर को कंप्लीट देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए बैक नहीं लगेगी इस बात की गारंटी है अब मान लीजिए आपका आप सोचते हैं कि सर हमारा अच्छा नंबर आना चाहिए तो अगला चैप्टर आपको कौन सा तैयार करना है अगला चैप्टर डियर स्टूडेंट्स आपको तैयार करना है सदिश अवकलन ठीक है सदिश अवकलन जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन ठीक है इसके बाद आपको यह चैप्टर तैयार करना है वेक्टर डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है इसको तैयार करने के बाद फिर आप ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल तैयार करेंगे ठीक है इसके बाद आप आएंगे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ठीक है डाइवर्जेंस योम कर्ल इस पर आएंगे आप सभी लोग इस चैप्टर को बाकी बीच के सारे चैप्टर को आप स्किप करते चले जाइएगा और आ जाइएगा लाप्लास रूपांतर पर ठीक है लाप्लास लाप्लास रूपांतरण पे आ जाइएगा इसके बाद फिर प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण पे प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण इस चैप्टर को आप तैयार कर लेंगे ठीक है इसके बाद फिर अगला है बीटा तथा गामा फलन बीटा तथा गामा फिर अगली यूनिट में रिजस्टेंट्स आएगी प्रायिकता है ठीक है प्रायिकता है और अगला जो है वह है आपका द्विपद पायसन तथा प्रसार बंटन आप सिंपल से इसको बंटन कह सकते हैं ठीक है इसमें बाइनोमियल मतलब द्विपद बंटन है बंटन है पॉइजन बंटन है और प्रसामान्य बंटन है यहां से क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप ये चाहते हो कि आप केवल पास हो जाओ अगर आपको टेंशन है पास मार्ग सबसे पहले इन दोनों चैप्टर को तैयार कर लीजिए और अगर आप ये चाहते हैं कि सर हमारा फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी आना चाहिए तो आपको बता दें कि आपके पूरे सिलेबस में अपनी बुक खोलेंगे तो नाइनटीन चैप्टर्स दिए गए हैं टोटल कितने चैप्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स पूरे सिलेबस में 19 चैप्टर्स आपके दिए गए लेकिन उन 19 चैप्टर्स में से केवल 9 चैप्टर का नाम मैं आपको बता रहा हूं अगर इन 9 चैप्टर्स को ही आप केवल तैयार कर लेते हैं केवल और केवल इन 9 चैप्टर्स को आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 बहुत ही आचार आसानी से ऑप्टेन कर पाएंगे इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है सो डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग अभी से लग जाइए सबसे पहले आप फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी चाहते हैं या आप पास होना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आप भी और आंशिक अवकलन आप तैयार कर लीजिए इन दोनों चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं या जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मैं दे दे रहा हूँ वहाँ से जा कर के आप सभी लोग उन लेक्चर्स को देख करके इसको तैयार ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए बाकी आज शाम को आपको कुछ क्लासेज मिलने शुरू हो जाएंगी शाम को सात बजे से उसके माध्यम से भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है लेकिन इतना जितना बताया हूँ इसको जरूर से ज़रूर करिएगा ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग अगर अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा उसको जरूर से जरूर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों को सेंड करूंगा और पेपर के एक दिन पहले आपको गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा सो so, डियर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आप सभी लोग इस चीज को एग्जाम के बाद फ़िल कर पाएंगे जरूर जरूर बाकी डी स्टूडेंट्स अगर किसी प्रकार का डाउट है कोई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कमें करके पूछ सकते हैं बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए